ये देखिए, 1 किलोवाट के सोलर पैनल हैं टोटल, 180 वाट के ये तीन, ये भी 180 वाट और ये 320 वाट। ये इनसे वायर प्लास्टिक के बंद उसमें जा रही नीचे, और इसको हम इस तरीके सेटअप करेंगे कि इसमें कोई बैटरी का यूज ना हो, डायरेक्ट इन्वर्टर से चले। अब आइए चलते हैं नीचे, तब तक वीडियो को यहाँ पर पुश कर देते हैं। ये जो वायर आ रही छत पर से, ये देखिए यहाँ आके ये सीधा, जो एक्स्ट्रा वायर इस पर ध्यान मत दीजिए, ये तो अलग है, ये वहाँ जाके ये टंगी है यहाँ, ये सिर्फ एक्स्ट्रा पैनल जोड़ने के लिए है। अब ये वायर दोनों पॉजिटिव और निगेटिव, ये आई उसके बाद सीधे ये इन्वर्टर में ये कनेक्ट हो गई। इसके बाद ये है इसके 4 हैं 15,000 mAh माइक्रोफेराड के कैपेसिटर जो पैरेलल में लगे हुए हैं, ये 63 वोल्ट और 15,000 mAh है। ये अब सर्किट हमने अपने आप बनाया पैरेलल में करने के लिए। अब इसको क्या करते हैं, ये इन्वर्टर है 1000 वाट का, प्योर साइन वेव है, ये 36 वोल्ट और 1000 वाट, मतलब 36 वोल्ट इनपुट का मतलब है 30 वोल्ट से 45 वोल्ट इनपुट इस पर चलेगा। और ये इसका स्विच है, चलिए इसको ऑन करते हैं। अभी हमने MCB ऑन नहीं किया, MCB पहले ऑन करते हैं। ये MCB जो है, ये ट्रिप थी, इसको हम ई ऑन किया, उसके बाद आइए इन्वर्टर ऑन करते हैं। ऑन हो जा भाई, ये देखिए नीचे वाला AC है, ऊपर वाला DC, 43.1 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए ये 43.1 वोल्ट बिना कोई लोड के और 270 आउटपुट निकाल रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ऑन ऑफ हो, कोई दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हमने अगर ऑफ कर दिया MCV से, ये देखिए MCV से ऑफ कर दिया, ये यहाँ से ये ऑफ हो गया। अब जो ये हो रहा है, ये कैपेसिटर में पावर है इस वजह से, ये देखिए। इसीलिए अब जैसे MCV ऑन करेंगे, अभी देखिए ये हमने MCV ऑन कर दी, तो ये हमारा इन्वर्टर 43.1 वोल्ट और आउटपुट 220 वोल्ट निकाल रहा है। आइए चलिए इसमें कनेक्ट करते हैं। ये हैवी कूलर 160 वाट है, स्टार्टिंग में बहुत लोड लेगा, और साथ ही ये आप जानते हैं इसको चलाने के लिए हैवी चाहिए एम्पियर, देखते हैं इसमें लगा के। ये देखिए ये लगा दिया और ये लगा दिया, लगाते ही आपका वोल्टेज 39.3, ठीक है, 40 हो गया, वापस आ गया, कोई फर्क नहीं। और अब देखिए ये आपका चल रहा है, ऐसा नहीं है, ये हमने बंद किया, वहाँ देखिए वोल्टेज 45, ये हमने ऑन किया, ये देखिए वोल्टेज 39। कुछ गिरा है शायद, चल रहा है ये हमारा इन्वर्टर 40.9 स्टेबल वोल्टेज, कोई फर्क नहीं। अब इसको हम ऑन करते हैं, आई ऑफ कर दिया, ये 42.5 आ गया, 43.2, ऑन कर दिया, देखिए बिल्कुल ईजी है, इसमें कोई बैटरी वैटरी का कोई किसी तरीके का यूज नहीं, डायरेक्ट सोलर दीजिए, ये देखिए डायरेक्ट सोलर, ये आई और ये इनपुट
चला गया। बस इसमें यह है कैपेसिटर जोड़ने हैं बस। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से चलता है और देखिए इसी प्रकार की कोई फॉल्ट नहीं है।